बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक टेबल क्रिएट करेंगे HTML और CSS को यूज़ करके। ठीक है, बेसिकली हम अपना आज एक असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे। ये एक असाइनमेंट है जिसमें हमने क्या करना है, एक टेबल बनाना है। उसमें हमने ये फॉन्ट का साइज, टाइम्स न्यू रोमन, ये मतलब इनके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको पूरा करना है। और ये हमारे पास डाटा, ये हमने बनाना है HTML और CSS यूज़ करके। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम अपना एडिटर खोलेंगे, सब्लाइम टेक्स्ट। ये काफ़ी अच्छा एडिटर है, आप भी इसे यूज़ करें। ओके, तो अगर आपने आसानी करनी है ना, तो आप ये कर लें कि सबसे पहले एक फोल्डर बना के रख लें और जितने भी अपनी रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें वो उसी फोल्डर में रखें। ठीक है, तब यहाँ पे राइट क्लिक करें, न्यू, और फिर फोल्डर पर जाएं और इसका नेम आप रख लें HTML CSS। ओके, चलने चाहिए। अब अपने एडिटर की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से फाइल करें और न्यू फाइल, और इसको आप सेव करें, सेव। बट सेव आपने किस में करना है, जो हमने फोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पे बनाया है HTML और CSS के नेम से। तो यहाँ पे आप रख लें टेबल, कोई भी नेम रख लें, लेकिन हम जो एक्सटेंशन है वो HTML रखनी है। फिर ये कोड आप रन करेंगे। ठीक है, हमने इसको कर दिया सेव। ओके, एक और साथ ही बना देते हैं CSS की फाइल, न्यू फाइल, और इसे भी सेव करें। इसके लिए अब एक नया फोल्डर बनाएंगे यहाँ पे, न्यू फोल्डर, और यहाँ पे हम जितने डिजाइनिंग करेंगे उसके लिए। ठीक है, अब इसके अंदर एक बनाएं फोल्डर स्टाइल रख लें, इसको आप नेम दे दें style.css, इसको नेम दे दें style.css। एक फाइल हमारी बन गई HTML की, जिसमें हम करेंगे कोडिंग, और एक बन गई हमारी CSS की, जिसमें हम करेंगे डिजाइनिंग। ओके, अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर, डॉट टाइप, HTML, ये हमारा HTML का बेसिक कोड। तो अब आपने ये जो टाइटल है ना, टाइटल पे कोई ऐसा नेम देना है जो आप कहते हैं कि मुझे जब वो असाइनमेंट ओपन हो तो यहाँ पे ऊपर शो हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप असाइनमेंट को दे दें ऑप्शन, असाइनमेंट का टाइटल दे दें। ओके, और यहाँ पे आप एक बॉडी के अंदर दे दें H1 टाइम टेबल। टाइम टेबल अब इसको आपने करना है सेव, कंट्रोल एस, या फिर यहाँ तक सेव करें। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो आपको कोई भी चेंजिंग शो नहीं होगी। अब आप राइट क्लिक करें और देखें ओपन इन ब्राउजर। देखें ये हमारा टाइटल शो हो रहा है और ये हमारे पास जो हमने हेडिंग दिया, इसका मतलब हमारी प्रॉपर कोडिंग हो रही है। अब हम मूव करते हैं अपने टेबल की तरफ। तो टेबल के लिए हमारे पास टैग होता है टेबल का, वो यूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने एक tr यूज़ किया और tr के अंदर हम यूज़ करेंगे th। ये देखेंगे हमें जितने भी उन्होंने दी हुई थी सारी रिक्वायरमेंट्स टेबल के डाटा, वो हमने सारा बीच में फुलफिल कर लिया। सबसे पहले हमने tr लिया, उसमें th लिया, उसमें पीरियड, सब्जेक्ट और टीचर। फिर हमने tr में td, th होता है हेडिंग के लिए, td होता है डाटा के लिए। जितने भी इन्होंने आगे हमें रिक्वायरमेंट्स दी थी हमने फुलफिल कर दी। ये जितने भी इन्होंने हमें कहा था ये सब कुछ हमने एंटर कर दिया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी करनी है डिज़ाइनिंग। HTML हो गया, अब हमने इसकी CSS की तरफ,
तो इसको करें सेव कंट्रोल एस और करें ओपन इन ब्राउजर। ये देखिए हमारा टेबल बन गया, टेबल बन गया। अब हमें इसे क्या यूज करनी है, CSS। अब देखें क्योंकि हम एक्सटर्नल CSS यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ पर से करवाएंगे लिंक। लिंक के लिए यूज होगा लिंक टैग और रिलेशन इक्वल टू स्टाइल शीट एंड href इक्वल टू हमने क्या बनाया था, CSS का फोल्डर और उसके अंदर हमने क्या किया था, स्टाइल डॉट CSS बनाई थी, स्टाइल डॉट CSS। ओके, अब इसके करते हैं सेव कंट्रोल एस। देखें अब यहाँ पे फर्स्ट क्या चीज चाहिए, फर्स्ट हमें चीज चाहिए इसके इर्द गिर्द बॉर्डर। देखिए अब हम वहाँ से टेबल टैग लिया और वहाँ पे यहाँ पे हमने लगा दिया 1 pixel सॉलिड ब्लैक। अब इसे करें सेव और इसे रिफ्रेश करें। देखें अब इसमें क्या हुआ, सिर्फ टेबल के इर्द गिर्द हुआ, हमें क्या चाहिए हेडिंग में भी और टीडी में भी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कुछ टेबल पे किए, टेबल पे जाके हमने टैग किया TH को और साथ हमने करना है TD को। ठीक है, करें सेव। अब देखें आप रिफ्रेश करें, ये देखिए जी आ गया। अब ये देखें ये हमारे पास डबल डबल लाइन आ रही है। अगर हम ये चाहते हैं कि एक सिंगल लाइन हो जाए फिर हम क्या करें, हम यहाँ पर लिखेंगे बॉर्डर कोलैप्स इक्वल टू कोलैप्स। ओके, कंट्रोल एस करें। अब इसको करें रिफ्रेश, चले ये काम हो गया। अब इसके हम करते हैं डिजाइनिंग, लेकिन अब ये देखिए कि थोड़ा छोटा छोटा सा लग रहा है, हम कहते हैं थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल को करेंगे टैग और यहाँ पे हम दे देंगे 400 pixel इसकी। फिर से करें सेव, अब इसे रिफ्रेश करें। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अब ये देखिए हमारे जो पास हेडिंग्स है ना, ये हमारे पास सेंटर में आ रही है। हम इसे ये कहते हैं कि लेफ्ट अलाइन हो जाए। क्या चाह रहे हैं हम, ये चाह रहे हैं कि जो हमारी TH है ना टेबल हेडिंग, वो हमारे पास हो जाए लेफ्ट अलाइन। तो टेक्स्ट अलाइन हम कर देंगे लेफ्ट, कंट्रोल एस करें। अब इसको करें रिफ्रेश, यस जबरदस्त, यहाँ तक हमारा टेबल तो बन गया। अब हमने क्या करना है, एट्रीब्यूट्स फॉन्ट साइजेस के, मतलब अब हमारे जो राइटिंग स्टाइल होना चाहिए वो टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए। देखें यहाँ पे हमने हेडिंग्स का स्टाइल भी टाइम्स न्यू रोमन रखना है और जो उसमें डाटा उसका साइज भी रखना है। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, हम स्टैटिक यूज़ कर लेंगे। देखें यहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्टैटिक, स्टैटिक इसके लिए होता है होल के लिए, होल को एक्सेस करने के लिए स्टैटिक। और फॉन्ट फैमिली हमने क्या रखनी है, फॉन्ट फैमिली हमें चाहिए टाइम्स न्यू रोमन। करें सेव और इसे करें रिफ्रेश, चेंज, ये भी राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया। एट्रीब्यूट्स का फॉन्ट साइज होना चाहिए 15 और डेटा का फॉन्ट साइज होना चाहिए 12। देखें और TH का साइज हमारे पास क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइज होना चाहिए हमारे पास 15 pixels। सेव करें तो इसे करें रिफ्रेश, ये TH का साइज हो गया 15। अब हमने TD का साइज करना है 12। हमने TD को एक्सेस किया और इसका साइज हमने कर दिया 12। ये देखिए ठीक है, अब ये ज़्यादा छोटा हो गया, आप इसको चेंज करने ताकि विजिबल हो सके। इसे हम कर देते हैं 25 और इसे हम कर देते हैं 20। सेव, अब इसे करें रिफ्रेश। ऑलराइट, ये ठीक है, ये हो गया यहाँ तक। अब हमने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर ऑफ एट्रीब्यूट्स इट्स ग्रीन, हेडिंग्स का बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ग्रीन। उसको कलर देने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्लास बना लेंगे। एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं ये वाले, इसकी जो TR है ना इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे और क्लास हमारे पास होगी ग्रीन के नेम से। कंट्रोल एस करें, हम क्लास को किससे एक्सेस करते हैं, डॉट ऑपरेटर से, डॉट ग्रीन
बैकग्राउंड कलर हमारे पास होना चाहिए इसका ग्रीन। ऑलराइट, अब इसे करें रिफ्रेश। आई हैव डन। ओके, ये भी काम खत्म। अब क्या करना है, बैकग्राउंड कलर ऑफ डेटा इज येलो। अब ये जो डाटा ना उसका कलर होना चाहिए येलो। ये हमारे पास जितनी भी टीडियां ये सारी हमारे पास डाटा की, इसका मतलब हम सबके ऊपर एक ही एनिमेशन अप्लाई करना चाहते हैं, इस वजह से हम इन सबको एक ही क्लास नेम देंगे। और देखिए हमारे पास टी डी की जितनी भी थी ना, हमने उन सबको येलो दे दिया क्लास येलो येलो। अब हम यहाँ पे भी यही काम करेंगे। देखिए अब हमने डॉट येलो क्लास को एक्सेस किया, अब हमने इसको दे दी बैकग्राउंड कलर इक्वल टू येलो। अब इसे रिफ्रेश करें। ओके, हमने प्रीवियस काम सेव नहीं था किया, इसलिए वो नहीं रन हुआ था। ओके, जब भी आपने कोई भी चेंजिंग करनी है आपने उसको साथ के साथ सेव जरूर करना, वरना आपको जो चेंजिंग है वो शो नहीं होगी। या वो हमारा लास्ट वर्क है, बैकग्राउंड कलर ऑफ अ वेब पेज स्काई ब्लू, कि होल पेज का जो मतलब बैकग्राउंड कलर है वो स्काई ब्लू हो। आपको पता है हमने तीन तरह की पढ़ी है CSS, इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे इंटरनल CSS स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, स्काई ब्लू। ओके, कंट्रोल एस करें और अब तरी से रिफ्रेश। जबरदस्त, ये काम हो गया हमारा खत्म। अब देखें यहाँ पे हमसे क्या है, थोड़ा सा ना ये वाला आगे हो जाए टाइम टेबल, वो ज़्यादा ही साथ लगा हुआ है। हमें क्या चाहिए, टेबल की एडिंग हमें थोड़ी इस साइड पे करनी है ना, इस वजह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, H1 है और मार्जिन लेफ्ट साइड से मार्जिन चाहिए। कितना चाहिए, 50 पिक्सल ऑलमोस्ट। सेव कर, अब इसे रिफ्रेश करें। यस, दिस वन इज ओके। अब ये जो सेल्स बनेंगे हमें थोड़े ऐसे तंग तंग से लगने, इसमें थोड़ी स्पेस लेके आए। अब हमें TH और TD दोनों के दरमियान स्पेस चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसलिए हमने क्या कर दिया, TH और TD को किया हमने पैडिंग की हमने इसके 10 पिक्सल, इसे करें सेव और अब इसे करें रिफ्रेश। जबरदस्त, वी हैव डन आवर वर्क, हमारी असाइनमेंट हो गई कंप्लीट। होप्स आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। आप मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।